हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकेदार खाना। आज मैं आपको साबुदाने की खीर बनाकर दिखाऊंगी। बहुत ही अलग तरीके से मैं ये खीर बनाऊंगी और एकदम परफेक्ट खीर बनती है। खीर का टेक्सचर आप देख सकते हैं, खीर ना तो ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही पतली है, एकदम बेहतरीन परफेक्ट खीर बनी है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से ये साबुदाने की खीर बनाएंगे तो आपकी साबुदाने की खीर भी इसी तरह बनेगी। चलिए शुरू करते हैं फटाफट इस ज़बरदस्त खीर को बनाना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। खीर बनाने के लिए मैंने ये मीडियम आकार का साबुदाना लिया है। एक छोटा वाला साबुदाना भी आता है, वो नहीं लेना है, मीडियम साइज़ का साबुदाना लेना है, जिससे हम अक्सर खिचड़ी बनाते हैं। बहुत ही अच्छी खीर बनती है इस साबुदाने से। ग्राम से ये 150 ग्राम है। इस साबुदाने को मैं एक बड़े से बर्तन में डाल लूँगी और इसमें पानी डालकर इसको 3-4 बार अच्छी तरह से मसल कर धो लूँगी। साबुदाने के ऊपर जो भी स्टार्च की कोटिंग है वे निकल जाना चाहिए। अगर स्टार्च की कोटिंग नहीं निकलेगी तो दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा और साबुदाना अच्छी तरह से पक भी नहीं पाएगा। देखिए, इस तरह से मसल कर धोना है। पानी कितना गंदा हो गया है, इसको मैं फेंक देती हूँ और 3 बार और धो लूँगी इसी तरह से मसल कर। साबुदाना को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। 150 ग्राम साबुदाना लिया है, इसमें 1.5 लीटर मैं दूध लूँगी। देखिए, 1.5 लीटर दूध में से मैं 200 ग्राम दूध में साबुदाना भिगा दूँगी। गर्म दूध में साबुदाने को भिगाना है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस तरह से दूध में भिगे हुए साबुदाने की खीर बनाने से। चलिए, तो इसको अब मैं कवर कर देती हूँ और 2-3 घंटे के लिए भीगने देती हूँ। साबुदाना अच्छी तरह से फूल कर अपने साइज़ का डबल हो जाएगा। 3 घंटे बाद साबुदाना को मैं देख लूँगी। देखिए, साबुदाना कितनी अच्छी तरह से भीगा है, फूल का डबल हो गया है और एकदम गोल हो गया है। साबुदाना अच्छी तरह से भीगना चाहिए, जब ये खीर बहुत ही अच्छी बनती है। देखिए, साबुदाना मैं आपको दिखाती हूँ कितने परफेक्ट तरीके से ये फूला है। बस इतना ही इसको भीगा हुआ होना चाहिए, बाकी का साबुदाना दूध के साथ पकेगा। 1.5 लीटर दूध में से बचे हुए दूध को मैंने गैस पर पकने के लिए रख दिया था। दूध में अच्छी तरह से उबाला जाएगा, इसके बाद ही साबुदाने को डालना है। कच्चे दूध में साबुदाना नहीं डालेंगे। देखिए, उबाल आने के बाद मैं ये भीगा हुआ साबुदाना इसमें डाल दूंगी। अब इस दूध में मैं एक बार और उबाल आने देती हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने हाई रखा है, दूध और साबुदाने को चलाते रहना है। देखिए, सारा साबुदाना फूल कर ऊपर आ चुका है, अब इस दूध में भी उबाल आ चुका है। अब मैं गैस की फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। मीडियम लो फ्लेम पर ही इस दूध और साबुदाने को पकाना है। जब भी खीर बनाएं मोटी तली वाला बर्तन लेंगे, क्योंकि इससे खीर चिपकती नहीं है। अब इस दूध और साबुदाने को मैं 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेती हूँ। खीर को चलाते रहना है। 15 मिनट के बाद मैं इसमें एक कटोरी शक्कर डालूंगी। जिस कटोरी से मैंने साबुदाना लिया था उसी कटोरी से शक्कर ली है। इसके बाद इसमें आधी कटोरी ड्राई फ्रूट डालूंगी, नारियल, काजू, बादाम, किशमिश, छुआरे, जो भी ड्राई फ्रूट्स हमारे पास हैं हम वो इसमें डाल दें। 5-6 केसर के धागे लेकर इसको मैंने गर्म दूध में डाल दिया था, ये दूध भी मैं डाल दूंगी। और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। शक्कर डालने के बाद में अब मैं 10 मिनट और पकाऊंगी। गैस की फ्लेम को लो रखना है। 10 मिनट के बाद में शक्कर भी अच्छी तरह से घुल जाएगी और दूध भी गाढ़ा हो जाएगा। चम्मच को तली तक ले जाते हुए चलाना है और साइड में जो भी मलाई लग रही है उसको भी खरच कर दूध में मिलाते जाएंगे, इससे अच्छी क्रीमी खीर बनेगी। मीडियम लो फ्लेम पर लगातार चलाते रहना है। देखिए, दूध की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, अभी बहुत पतला दूध है। अभी मैं इसको और पकाऊंगी। अब देखिए, दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। जब दूध इस तरह से दिखने लगे, इसके बाद इसको मैं 5 मिनट और पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर। गैस की फ्लेम को हाई नहीं करना है, चलाते हुए पकाते रहना है। बहुत ही अच्छी टेस्टी खीर बनती है और साइड में जो भी इसकी मलाई लगती है उसको भी खरच कर मिलाते जाएंगे, इससे अच्छी क्रीमी खीर बनती है। देखिए, शुरू में खीर को बिल्कुल भी ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडी होने पर साबुदाने की खीर और भी ज़्यादा गाढ़ी होती है। देखिए, खीर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बस इतना ही गाढ़ा इसको रखना है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ। शुरू में बिल्कुल भी ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, हल्का ठंडा होने के बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये बेहतरीन टेस्टी लाजवाब साबुदाने की खीर बन चुकी है। इसको मैंने थोड़े से बादाम के साथ में सर्व किया है। देखिए, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट है। बस ऐसी ही खीर होना चाहिए। इस खीर को चाहे तो ठंडा खाएं, चाहे गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। खीर बनाते समय बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जब हम साबुदाना भिगाते हैं तो उससे पहले साबुदाने को अच्छी तरह मसल कर 3-4 बार साफ पानी से धो लेना है। दूध में उबाल आने के बाद ही साबुदाने को डालना है। कभी कभी खीर बनाते वक्त साबुदाने की खीर फट जाती है, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो खीर बिल्कुल भी नहीं फटेगी, एकदम परफेक्ट खीर बनेगी। और खीर को पहले ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये खीर और ज़्यादा गाढ़ी होती है। चम्मच को तली तक ले जाते हुए चलाएंगे, अगर खीर ज़रा भी चिपक गई तो सारा इसका जो फ्लेवर है वो बेकार हो जाता है। तो आप भी फटाफट ये खीर बनाइए और सभी को खिलाइए, सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक बार फिर जायकेदार खाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।